मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो दोस्तों ये सुबह सुबह का समय है, सो कर उठ कर सबसे पहले मैं चाय ही बनाती हूँ, क्योंकि सबको मेरे घर में चाय पीने की आदत है। तो सुबह सुबह मैं चाय बना के, नीचे दुकान है हमारा तो वहीं पे देती हूँ, क्योंकि घर के लोग भी और एक दो बाहर के लोग भी चाय पीते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं देखिए चाय का बर्तन रखी थी, कोई एक कफ गिरा दे, उसी की आवाज़ है। और उसके बाद मैं ये हॉल में आ गई हूँ, हॉल में ये थोड़ा बिस्तर वगैरह सब सही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ सोता है तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर रही हूँ चादर वगैरह को। तो यहाँ चादर वगैरह सही करके मैंने यहाँ का खिड़की खोल दिया है, क्योंकि बंद करके सोता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं चावल खटक रही हूँ, चावल ख़त्म हो गया था तो चावल मैं 5-7 किलो के लगभग फटक देती हूँ, 1 हफ्ता 8 दिन 10 दिन जो भी चलता है उस हिसाब से चलता है। तो मैं इसलिए चावल फटक देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा वाला परात है ना, उसी को भर के मैंने चावल फटका है। और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, बस यही है सुबह सुबह का जो बहुत काम होता है। कुछ वीडियो मैं बना लेती हूँ, कुछ नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का समय काम का होता है, वीडियो बनाने का नहीं हो पाता है, थोड़ा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। तो बस यही मैंने चावल फटक लिया है, और जो कचरा था यहाँ का सब मैंने झाड़ू से लगा कर दोस्तों कैसे हैं आप लोग, ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, घर का जो भी नहाने से पहले वाला काम था वो सब निपटा लिया है मैंने। और यहाँ पे जो मेरा रियल आवाज़ था मैंने ये सबको म्यूट कर दिया है, क्योंकि बाहर ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर में गाना बज रहा है तो उसी का आवाज़ आ रहा था, इसी वजह से मुझे सारा का सारा यहाँ का म्यूट करना पड़ा है दोस्तों। और आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएँ दोस्तों। और हम लोग तो मेला आज घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि माता जी और मेरा बेटा है नहीं यहाँ पे, आसाम गए हैं लोग। और घर में जो पूजा पाठ नवरात्रम का हो रहा था वो भी मैं ही कर रही थी, तो इसीलिए मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ट्रैक्टर चल रहा है, खेतों में कुछ लोग काम कर रहे, इस समय खेतों में बहुत ज़्यादा काम है, तो सभी लोग खेतों में अपने लगे हुए हैं काम धाम करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये जो दोस्तों मैंने 8वीं 9वीं के लड्डू चढ़ाए थे वही लड्डू हैं, ढूड़ी मतलब, तो इसको मैं जा रही हूँ किचन में रखने। और जो मैंने मंदिर में जो मतलब कलशा वगैरह रखा हुआ था, जो बेलपत्र वगैरह चढ़ाए थे, कमल का फूल उल सब कुछ मैं एक बड़े से पॉलोथीन में उठा कर रख दूँगी, क्योंकि सब का सब ना सब पानी में डाला जाएगा, नदी या तालाब में। तो यहाँ का जो कलश वगैरह था, नारियल वगैरह था, सबको मैं हटा दूँगी, क्योंकि दूसरा दिन सही नहीं है, क्योंकि आज दशमी था तो मैंने कहा सब हटा देते हैं, क्योंकि नवमी का पूजा हो चुका था। तो जो यहाँ का कलश मिट्टी था और जो जवारे वगैरह हुए थे ना, सारे के सारे मैं इस पॉलोथीन में रख रही हूँ, क्योंकि सारे के सारे ना इकट्ठा करके और हमारे यहाँ जो नदी तालाब पोखरा जो भी है उसमें डाला जाएगा, तो इसीलिए मैं सब कुछ इकट्ठा कर रही हूँ। नारियल जो है फोड़ा जाएगा खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मैंने हटा लिया है, तो यहाँ मंदिर में 2-3 चक्कर मैंने पोछे भी मार लिया है, ताकि जो मिट्टी उट्टी थे सब अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैठ करके वही मंदिर में सफाई कर रही हूँ, सब कुछ मिट्टी बहुत ज़्यादा कर दिया है, सब कुछ हटा के यहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोछा मतलब पोछे से पोछा मार दिया, झाड़ू तो नहीं लगता है। और ये देखिए एक पोलोथीन पूरा ये हुआ है, एक पोलोथीन जो हम लोग चढ़ाए थे ये नौवीं का अष्टमी का, ये पूरा एक पोलोथीन हुआ है। ये सब हमारे गांव के नदी या तालाब वगैरह में मतलब डाल दिया जाता है। तो अब मंदिर क्लीन हो चुका है, उससे पहले मेरे हस्बैंड पूजा कर चुके थे तो इसलिए दीपक जल रहा है। चलिए अब मैं भी पूजा कर लेती हूँ। नमो नमो दुर्गे सब करें, नमो नमो अमी दो करें, निरंकार ज्योति तुम आती हूँ लोक फैली जियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल मुकुट विकराला, रूप मातों को अधिक सुहावे, दरस करे जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति ले की ना पालन हेतु। दोस्तों मेरा पूजा हो गया है, बिना पूजा का मेरा दिन शुरुआत नहीं होता है, सबसे पहले नहाने के बाद मेरा पूजा होता है, उसके बाद भी कुछ होता है। अब मैं चल रही हूँ किचन में, किचन में बनाना है नाश्ता, क्योंकि कल का सब लोगों ने व्रत रखा था तो आज कुछ चाहिए ना खाने के लिए। तो चल रही हूँ थोड़ा सा छोला और पूरी बनाऊँगी नाश्ते में, चलिए वीडियो में बने रहिए। और चलिए चाय पानी पी लेते हैं, आप भी हम भी पी लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों एक पतीले में मैंने रख दिया है दूध। ये है हमारा ढूड़ी जो चढ़ाया था, ये है हमारा चना जो हमने भिगा रखा तो था। लड्डू बनाए थे, देखिए लड्डू इतने टेस्टी बने, इतने टेस्टी बने, क्या बताऊँ। मैं खाई अभी भी एक लड्डू खा के पानी पी लिया और वीडियो नहीं बनाया आपको खाते समय, मैं खुद खा ली लड्डू। बहुत टेस्टी बने, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये रखा हुआ है प्रसाद के रूप में और चलू चाय पी लिए। आप लोग भी चाय पी लीजिए, चाय चाय पी लीजिए आप लोग भी, चाय पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं नाश्ता वगैरह बनाने, क्योंकि कल का सब व्रत रखा है, सबको चाहिए खाने के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चनों को मैंने धो करके एक थाली में निकाल लिए हैं। ये काबली चना भी है, मटर भी, दोनों मिक्स करके दिए हैं हस्बैंड बनाने के लिए। तो इनको मैंने साफ़ कर लिया है। अब चलिए कुकर में है, कुकर में ये चने और छोलो डालूंगी। इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद इसका नाश्ता बनाती हूँ। फटाफट से कुकर में जो रखे हैं चने को उसमें डाल दूँगी। चना है, काबली चना है और मटर दोनों मिक्स किया हुआ है। इसमें दो आलू डाल के हल्दी नमक डाल के इसको मैं उबालूंगी, क्योंकि आलू दूध डल जाते हैं। क्या बोल रहे हो? बोलो, कहाँ जा रहे हो? आजमगढ़ जाई जा। बाय बाय बाय। हल्दी नमक डाल दिया, दो आलू भी डाल दिए हैं। कुकर में जा रही हूँ बंद करने, उबालने के लिए। इधर मैंने दूध रखा था तो गर्म हो चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं बैठी हूँ प्याज काटने, क्योंकि प्याज पड़ेंगे छोले में। तो नवरात्र बीत गया है तो अब हमारा दसवीं है। बहुत लोग मेला घूमने जा रहे हैं लेकिन हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं, और अब चलते हैं बस। प्याज काट रही हूँ क्योंकि बनाने हैं छोले नाश्ते में, तो इसी के लिए मैं यहाँ प्याज काट रही हूँ। और उबलने के लिए मैंने रख दिया है, अभी उबल जाएगा तो फिर मसाला पीसूँगी, मसाला पीस कर छोला बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी, सभी लोग खाएँगे। क्योंकि कल का सब लोगों ने व्रत रखा था, सबको भूख लगी है, तो अभी चल रहे हैं बनाने के लिए। आप लोग क्या बना रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके, कि आप लोग व्रत के बाद क्या बनाएं खाने के लिए। भाई मेरे घर तो लहसुन प्याज चलता है, तो यहाँ जैसा लोग खाते हैं वैसा मैं बनाती हूँ। बहुत लोगों के घर में लहसुन प्याज नहीं चलता है, लेकिन मेरे घर में चलता है, तो मैं हमेशा लहसुन प्याज का प्रयोग करके ही खाना बनता है हमारे घर में। तो वही भी प्याज काट रही हूँ। और उसके बाद पालक आया है, उसका साग भी बनेगा खाने के लिए। नाश्ते में छोला पूड़ी और पालक का साग बनेगा, दाल चावल रोटी सब्जी, यही सब खाना बनता है हमारे घर में। क्योंकि हमारे घर में डेली दाल बनता है, चाहे कुछ भी नाश्ता बन जाए लेकिन खाने के लिए दाल चावल डेली बनता है। आप लोगों घर में किसके किसके घर में होता है ऐसा मुझे बहुत जरूरी बता दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ है तो। मैं देखती हूँ कितने लोगों के घर में पूरी सब्जी बन जाए तो फिर दाल चावल नहीं बनता, लेकिन मेरे घर में कुछ भी बना है लेकिन दाल चावल जरूर बनता है। कुकर हमारा सीटी दे रहा है, हमारा प्याज चिल्ली कटी रखा है। दोस्तों मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और अब चल रही हूँ मसाला पीसने, और बहुत ही हल्का सा मसाला पीस लूँगी क्योंकि मसाले से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और टमाटर प्याज मैंने सब कुछ काट दिए हैं, तो थोड़ा सा ये छोला सूखा छोला जैसा बनेगा जो कि पूरी के साथ अच्छा लगेगा खाने में। तो वही मैं इधर रख दी हूँ मतलब कढ़ाई में। दोस्तों प्याज मैं भून रही हूँ, तेल गरम हो गया था तो मैं यहाँ प्याज भून रही हूँ। और प्याज देखिए यहाँ पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसमें मसाला वगैरह डाल के, टमाटर डाल के, दो आलू है ये भी सब डाल के अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि इसमें सब डाल के टमाटर वगैरह करो ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी देवरानी बैठी है पालक काटने, क्योंकि मैं छोला और रोटी बना रही हूँ, पूरी बना रही हूँ, तो मतलब यहाँ पर देवरानी पालक काट रही है। और ये देखिए हमारा छोला बनके रेडी हो गया है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये छोला बनके रेडी हुआ है, मैंने कढ़ाई में बना लिया है कुकर में से। और इसको पूरी अब तल दूँगी तो सभी लोग खा लेगा। और यहाँ पे देखिए धनिया भी डाल दिया है। कैसा लग रहा है आपको हमारा छोला जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, गर्म हो रहा है रिफाइंड, तो यहाँ चलते मैं फटाफट पूड़ियाँ भी बेल ले रही हूँ। और पालक छाटने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो देवरानी भी पालक भी छाटने में लगी हुई है,
और मैं छोला बनाने के बाद मैं अपना पूरियाँ तल लेती हूँ, नाश्ता आगे का मैं कर लेती हूँ, पीछे से वो दाल चावल बना देती है। तो मैं यहाँ फटाफट पूरियाँ बेल रही हूँ और पूरियाँ तलूँगी, क्योंकि मेरा बेटा जो छोटा वाला था वो भी व्रत रखा था तो उसको भूख लगी है। मतलब जो जेंट्स लोग होते हैं ना उनको जल्दी भूख लग जाती है, हम लोगों का क्या, हम लोगों का तो चल जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट पूरियाँ बेल रही हूँ ताकि मतलब बच्चे और हस्बैंड लोग खा लें। और यहाँ फ़ैन चल रहा है ना, ये फ़ैन की आवाज़ हो रही है, दो फैन चल रहे हैं, किचन में चल रहा है एक, वहाँ पर बाबू बैठा है बाहर तो वहाँ पर मतलब चल रहा है तो उसी की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर देखिए मेरी पूरियाँ तल के तैयार हो चुकी हैं, बेल के रख दिया है मैंने, उसके बाद यहाँ पर तलना शुरू किया है। यहाँ देखिए कैसी आवाज़ आ रही है। और ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, डेली डेली इसको नहीं मांजा जाता है, मतलब साफ़ किया जाता है तो कभी कभी साफ़ होता है, और उसमें तलने वाला ही काम ज़्यादातर होता रहता है। तो यहाँ देखिए हमारा पूरी रेडी हो गया है तल के, और बगल में रख दिया है दाल दो रंग में, तो इधर पूरी भी बनती रहेगी उधर दाल भी बनती रहेगी। और अब चल रहे हैं, इसमें पूरियाँ तली चुकी है तो अब बेटे को देते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे दे दिया है मैंने अपने बेटे को खाने के लिए, और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो वो भी खा रहे हैं समोसा। खाना बन चुका है, किचन क्लीन हो चुका है, नीचे का भी फर्श ऊपर का भी हो चुका है, और मैं भूल गई थी मैंने नाश्ता भी कर लिया दोस्तों, बहुत ही भूख लगी थी, मैं भूल गई वीडियो बनाना, नाश्ता कर लिया और आप लोग भी करेंगे। चलिए दोस्तों मैं आज छोटा सा बहुत वीडियो बनाना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा कुछ घर में और भी काम है तो सब चीज़ का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल रहता है। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो पे अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और किचन क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा चलते हुए रेस्टोरेंट करना, उसके बाद सबको सपोर्ट भी करना है तो वो सब भी देखना रहता है, सबको सपोर्ट भी करना रहता है। तो चलिए ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों। दशहरा घूमी आइए, मेला घूमी आइए, हम लोगों को तो कहीं घूमने को मिलता नहीं, घर में रहना है, तो आप लोग मेला घूमिए, इंजॉय कीजिए, बाय।